Students, let us do this next question. लेकिन इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक खास रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. इस वीडियो को कभी मिस यूज मत करना. मिस यूज इन द सेंस, कभी भी इसे देख के होमवर्क बनाने और कॉपी पूरी करने या फॉर्मेलिटीज के लिए इसका यूज मत करना. मैं एक एक क्वेश्चन करके इसलिए आप लोगों को दे रहा हूं जिसमें कि आप लोग इससे बेनिफिट ले सकें और कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ करके और उसका बेनिफिट, उसका फायदा उठा सकें. हर एक क्वेश्चन को बनाने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको चीटिंग में या कॉपिंग में, नकल करने में आपकी मदद करूं. मेरा मकसद ये है कि आप हर कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखें और अच्छे तरीके से सीख सकें. वीडियो आप जब चाहें पॉज कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, जितनी बार मर्जी उतनी बार देख सकते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं. तो इस वीडियो का राइट यूज करना, कभी मिसयूज मत करना. आइए अब हम लोग इस सम को करते हैं. इसमें दो कॉन्सेप्ट मिले हुए हैं. द फर्स्ट इज ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड द सेकेंड इज फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड सेकेंड नंबर. फर्स्ट ब्रैकेट को हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे. कर्ली ब्रैकेट शुरू कर लीजिए. ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे. ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू मल्टीप्लाइड ए मल्टीप्लाइड बी. कर्ली ब्रैकेट क्लोज. दिस इज इक्वल टू थ्री प्लस रूट थ्री ब्रैकेट टू स्क्वायर टू फोर रूट टू स्क्वायर टू 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 जब फोर फोर रूट टू. थ्री प्लस रूट थ्री फोर प्लस टू सिक्स रेशनल एंड रेशनल उसे ऐड कर देंगे. इरेशनल पार्ट को अलग रखेंगे. नाउ टेक दिस फर्स्ट नंबर थ्री मल्टीप्लाइड सिक्स प्लस फोर रूट टू. फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइज टू दिस होल ब्रैकेट. सेकेंड नंबर इज प्लस रूट थ्री मल्टीप्लाइड टू दिस फुल ब्रैकेट सिक्स प्लस फोर रूट टू. सिक्स थ्री जा एटीन फोर थ्री जा ट्वेल्व. जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल पार्ट से मल्टीप्लाई होगा और इरेशनल पार्ट से. सिक्स रूट थ्री रूट थ्री मल्टीप्लाइड टू फोर रूट टू फोर रिमेन सेम एंड रूट थ्री इंटू रूट टू इक्वल्स रूट सिक्स. नो मोर स्टेप्स. रूट सिक्स रूट थ्री एंड रूट टू कंपेयर द इरेशनल पार्ट. They are all unlike, so we cannot add them and we cannot perform any operation over them. This is rational, this is different and this is different. All are unlike, so no more steps, no more operations.